वहाँ पे जाके हम अल्लाह ये भाई के मुँह आ जाला और एकर यहाँ के जो सियान जो भी अगर एकर घर के जो युवा पीढ़ी आज आवे जेला परमानेंट एसीसी में नौकरी चाहिए एक तरफ भिलाई में बंद का आह्वान चल रहा है खुर्सीपार हत्याकांड के बाद और दूसरी तरफ आज सुबह 9 बजे के करीब एक हादसा होता है दुर्गा मंदिर जामुल में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने पूरी तरह से चक्का जाम किया है। जिस बच्चे की हत्या हुई है, जिस बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे हाईवे से, वो यहाँ से जा रहा था बाल कटवाने के लिए, उसी दौरान हाईवे आ रहा था, उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। स्पीड क्या रही होगी हाईवे की ये आप जान सकते हैं। मेरे पीछे उनके परिजन हैं, परिजनों के साथ साथ पूरे मोहल्लेवासी जो यहाँ के आम लोग हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। कई मांगे हैं, मांगों के साथ साथ सबसे पहले तो परिजनों से बात करते हैं। जिस बच्चे की बच्चे का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी उम्र 17 साल है, नाम राजा टंडन है, 18-19 साल है। आप उनके पिताजी हैं? जी हाँ। क्या कितने बजे की घटना है, कैसे निकले थे घर से? तो मालूम नहीं है मेरे को, मैं तो ड्यूटी चला गया था। क्या काम करते हैं आप? मैं सेवरेज लाइन में काम करता हूँ, वहाँ सेक्टर 7 में। घर में कितने सदस्य हैं? घर में मेरा पत्नी है, एक बच्ची है और उसका लड़का है एक। दो बहनों में एक भाई थे, सबसे छोटा भाई बता। सबसे छोटा है ये। कैसे बाल कटाने के लिए गए थे, उसके बाद आपको क्या जानकारी मिली, लोगों से क्या पता चला? जानकारी मिला है मैं ड्यूटी जाने के बाद, वो घर से निकला है बाल कटाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे कि घर से गाड़ी धर के निकला है, ऐसा एक बताया मेरे को। गाड़ी से थे कि पैदल? गाड़ी से था। कहाँ के निवासी हैं आप? खेरधा का ग्राम खेरधा का। तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ है क्या मांगे हैं आप लोग की तरफ से कुछ? मेरा मांग है 50 लाख रुपया और मेरे को नौकरी चाहिए और मेरा पूरा परिवार का देख रेख होना चाहिए। आप लोग भी सदस्य परिवार के? हाँ। क्या कैसे जानते हैं? ये मेरा मामा है और मैं इनका भांजा हूँ। क्या व्यवहार था, कैसा था? अच्छा था लड़का, मस्त था, कमाता था। क्या काम करता था? फर्नीचर में काम करता था, यानी कि 1000 रुपये डेली का उसका इनकम था। अच्छा काम करता था और सब घर परिवार चलाता था, मस्त स्वभाव था। वो गुटका कुछ नहीं खाता, यहाँ तक कि वो सुपारी भी नहीं चापता था। मस्त था लड़का, अपना स्वभाव मस्त था। परिवार के जो सदस्य यहाँ पे हैं, कुछ और लोग भी हैं, आम लोग हैं यहाँ पर। आप यहीं के निवासी? हाँ, यहीं का निवासी हूं। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा खुल के बताएंगे? मैं सवेरे 9 बजे अपनी कार से आ रहा था, देखा तो ये बॉडी पड़ी हुई थी, पर ट्रक चालक गाड़ी वहाँ अपना खड़े करके भाग चुका था और यहाँ पर चक्का जाम हुआ। इनकी स्थिति, इनकी बॉडी को देखने लायक नहीं है, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे 2-4-6 महीने में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है, सिर्फ ये एसीसी जो गाड़ियाँ चलती है उसकी वजह से। इसके बारे में कभी इससे पहले कभी रोकथाम के लिए कुछ बात हुई थी कि नहीं? इसके पहले भी हुई थी बात, जब नवातरिया में 2-3 साल पहले जो तीन लोग का एक साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी हुआ था, उसके बाद कोई किसी प्रकार कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने पहले कभी आंदोलन किया था? नहीं, आंदोलन तो ऐसा कुछ नहीं किया। बात करना है। हाँ। मैं बोलता हूँ कि यानी कि ना इसमें ना दिन में ना गाड़ी बंद होना चाहिए और डंपर वगैरह जो भी चलाओ अपने रात में चलाओ। आज अपना परिवार गया ठीक है, लेकिन किसी का और नहीं जाना चाहिए। दिन में टोटल बंद होना चाहिए, जो भी चलाओ अपन नाइट में चलाओ। 6 बजे के बाद ना नो एंट्री लगना चाहिए, वो सबके लिए सही होगा, वही बोल रहा हूँ। आवाजाही वाला एरिया है, आने जाने वाले लोग हैं, इस तरह से लगातार घटनाएं होती रहती हैं। तो इससे पहले आप लोग कभी किए थे क्या ऐसा कि मांग होनी चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए मांग। बाईपास रोड बनाया अपने एसीसी, उधर से बनाया बाईपास रोड बनाया, आए दिन होते रहते हैं, साल डेढ़ साल जो भी है। और यहाँ पे दुर्गा मंदिर के जगह थोड़ा भीड़ भाड़ जगह है, दुनिया भर का एला ठेला भी लगा रहता है, आदमी के यहाँ जिंदगी जा रही है, तो रोड पूरा क्लियर होना चाहिए ना, हर चीज़। घनी आबादी वाली क्षेत्र है और आप देख सकते हैं मार्केट क्षेत्र है, यहाँ से वहाँ तक घनी आबादी है, तो एसीसी को अपना व्यवस्था करना चाहिए, कहीं अलग से सड़क अपना निकालना चाहिए। और ऐसा नहीं है पहला घटना नहीं है, आए दिन घटना होते रहते हैं। सड़क तो बहुत बढ़िया बना है लेकिन इतना तेज़ रफ्तार डंपर गाड़ी अन्य गाड़ी काफ़ी स्पीड चलती है और आए दिन घटना होते रहते, ना तो कोई ब्रेकर है ना कहीं कुछ है इस सड़क पर।
आप देख सकते हैं सर। कोई जिम्मेदार नहीं आया यहाँ पे बात करने के लिए? अभी तक तो नहीं आया है। इससे पहले शासन प्रशासन ने कोई ऐसा वो किया था? अभी तो दिख नहीं रहा कोई, देखिए ना आप सब तो उधर खड़े हैं शासन प्रशासन। भीड़ आप देख सकते हैं क्लोज, अगर पूरी तरह से कैमरा घुमाएं तो भीड़ आप देख सकते हैं क्या है और ये नज़ारा है। और जहां पर ये विजुअल नहीं दिखा सकते कैमरे में क्योंकि कुछ गाइडलाइन है, लेकिन जो विजुअल आप देख रहे हैं भीड़ की, ये भीड़ ने चारों तरफ से चक्का जाम कर दिया है। और इनकी एक मांग है कि 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, ये इनकी मांग है। उसके साथ साथ ये भी मांग है कि दिन के समय जो है यहाँ पर ट्रकों की जो आवाजाही है वो बंद होनी चाहिए। पूरा कुछ तफ्तीश से मामला ये बताया जा रहा है कि जो राजा है, राजा टंडन, जिसकी उम्र 18 से 19 साल बताई जा रही है, वो बाल कटाने के लिए निकला हुआ था और बाल कटाने के लिए जब वो खिरदा से यहाँ जामुल की तरफ आया था उसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जो आसपास के निवासी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे के कुछ किलोमीटर से ही पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेराव कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के आम निवासी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ACC की जो ट्रकें चलती हैं उसको लेकर के लोगों में खासा गुस्सा है। उनका ये कहना है कि लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं, इससे पहले भी हादसे हुए। मैं सचिन कहूँगा कि इधर दिखाएं थोड़ा, वो ट्रक है, इस तरफ पूरी भीड़ है। भीड़ का सिर्फ एक ही कहना है कि जो 50 लाख रुपए का मुआवजा है वो दिया जाए और साथ ही सरकारी नौकरी। बता रहे हैं कि घर में दो बहनें, सबसे छोटा इकलौता लड़का था, छोटा भाई था, राजा टंडन नाम था। और जिस तरह से उनके पिताजी ने बताया कि किसी तरह का कोई ऐप, कोई नशा नहीं था किसी तरह से कोई, और खुद ही काम करता था, खुद कमाता था। ये देखिए, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं ट्रक है, ट्रक को चारों तरफ से घिरा हुआ है और लगातार ये भी बताया गया है कि ड्राइवर ने भागने की कोशिश की थी। लगातार जो है सड़क दुर्घटना में इस तरह की जाने जा रही हैं, लगातार जो है एक्सीडेंट, लगातार जो है दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चेतावनी के बोर्ड लगाने से भी वहाँ पर इस तरह की लगातार घटनाएँ हो रही हैं। भीड़ उग्र होते जा रही है, पुलिस प्रशासन यहां पर तैनात हो चुका है, मांगे इनकी तेज हैं और मांगों को लेकर के वो यहां पर बैठे हुए हैं, यहां से वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीन मांगे हैं अमूमन, जैसे मैंने पहले बताया, पहला 50 लाख मुआवजा, दूसरी जो मांग है वो है कि सरकारी नौकरी, और तीसरा जो है जो ट्रकों की, बड़े ट्रकों की आवाजाही है उसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। आसपास के जो लोग हैं, दुकान के जो लोग हैं, वो भी लगातार यहां पर मौजूद हैं। और जिस एक तरफ जहां पर लगातार भिलाई में तीन दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, एक तरफ खुर्सीपार हत्याकांड, दूसरा कोहका हत्याकांड और तीसरा यहां पर जिस तरह से दुर्घटना में मौत हुई है राजा की, तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और तस्वीरें बिल्कुल भयावह हैं, भयावह इसलिए हैं क्योंकि एक 17-18 साल का लड़का जिसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हम पुलिस प्रशासन के जो आए हुए हैं जिम्मेदार, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम जब तक आए हैं फिलहाल, तो अब तक यहाँ पर कोई नेता या कोई ऐसा सामाजिक संगठन के लोग, कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया है जो यहाँ पर आकर के सुध ले सके। परिजन यहाँ पर मौजूद है और परिजनों के साथ खिरदा ग्राम के लोग और जो आसपास के जामुल के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ भिलाई में जहाँ पर कुर्सीपार हत्याकांड को लेकर के पूरी तरह से बंद का आह्वान चल रहा है, दूसरी तरफ ये घटना केंद्रित करती है। तो इस तरह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दूर से अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि कितना घनत्व है उस भीड़ का। और एक तरफ पुलिस मौजूद है अपने बैरिकेडिंग, अपनी गाड़ियों के साथ, और दूसरी तरफ भीड़ मौजूद है। लगातार घटनाओं, लगातार कल ही हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट में जिस तरह से मर्डर, जिस तरह से चोरी डकैती, जिस तरह से दुर्घटना, ये सब आम हो चुकी हैं भिलाई में। ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, इस पर जो जिम्मेदार हैं उनको चिंतन भी करना चाहिए। भीतर और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो पुलिस के जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करें कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट होगा, और इस भीड़ को हटाने के लिए या इस भीड़ को दरकिनार करने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। चाहिए, 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 कलेक्टर ऑफिस में दे रहे हैं।
50 लाख रुपया हल्ला मत करो भाई।